तो दोस्तों संडे बाइट के तहत हम एचडीएफसी बैंक शेयर की एनालिसिस करेंगे। एचडीएफसी बैंक के शेयर ने दोस्तों फरवरी 2021 में एक लाइफ टाइम हाई बनाया और उसके बाद एक करेक्शन की शुरुआत हुई। तो हम एचडीएफसी बैंक शेयर की एनालिसिस करके आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो करेक्शन समाप्त हो गया है और फिर अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो रहा है। तो दोस्तों आज हम एचडीएफसी बैंक की फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में करेंगे दोस्तों एचडीएफसी बैंक की शेयर की टेक्निकल एनालिसिस, वो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस, ताकि संभावनाओं और प्राइस एक्शन को हम बेहतर तरीके से समझ सकें। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों पहले एचडीएफसी बैंक की ब्रीफली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों मनी कंट्रोल के एप्लीकेशन के ऊपर में जो स्वॉट एनालिसिस की गई वो 18 फंडामेंटल पैरामीटर्स के आधार पर आधारित है दोस्तों। उसमें अगर आप देखें तो 61% क्राइटेरिया में एचडीएफसी बैंक पास होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसके स्ट्रेंथ्स 8 हैं, वीकनेस 4 है, अपॉर्चुनिटीज 4 है और थ्रेड्स 2 है दोस्तों। तो अगर 8+4 अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ्स को ऐड कर देते हैं तो 18 पैरामीटर्स में से 12 पैरामीटर्स में पास होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों? राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम दी ऑपरेशंस। इसके अलावा दोस्तों अपॉर्चुनिटीज क्या है? ब्रोकर्स ने अपग्रेड किया है इसे दोस्तों। और जहां तक सवाल है थ्रेट का, तो एनपीए में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए अदर फंडामेंटल्स को समझते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के शेयर ने पिछले 1 साल के दौरान में 78.49% का रिटर्न दिया है, जो बहुत अच्छा रिटर्न है दोनों दोस्तों बाय एनी स्टैंडर्ड। इसके अलावा क्वालिटी चेक्स एंड ग्रोथ स्कोर में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर लीडिंग बैंक है हमारे देश का और ये लार्ज कैप कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप है 7,90,212 करोड़, जो इसे रैंकिंग देता है फोर्थ पोजीशन में। इसे हम लो रिस्क की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक की जो वोलाटिलिटी है वो सिर्फ दोस्तों 1.7 टाइम्स है, अगर हम उसे कंपेयर करें निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स से। दोस्तों की मैट्रिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो पी रेशियो इसका है 25.86, जो सेक्टर के पी 28.35 से कम है। तो वैल्यूशन फ्रंट में अगर हम सेक्टर के आधार पर देखें तो ये अच्छा नजर आता है। पीबी रेशियो की बात करें 4.64 है दोस्तों, जो स्लाइटली हायर है सेक्टर के पीबी से। दोस्तों यहाँ पर 93% एनालिस्ट जो हैं वो इसमें सजेशन दे रहे हैं बाई करने का। इसकी अगर अर्निंग का ग्रोथ जो प्रोजेक्टेड है वो क्या है दोस्तों, 21.44%, और रेवेन्यू ग्रोथ जो प्रोजेक्टेड है 8.24% दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों फाइनेंशियल ट्रेंड्स को। तो फाइनेंशियल ट्रेंड्स, ये सारे फिगर जो आप बार चार्ट में देख रहे हैं दोस्तों, ये लाख करोड़ में है। ये देखिए कंसिस्टेंट ग्रोथ इन रेवेन्यू हम देख सकते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में भी ग्रोथ नजर आ रहा है। लो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग इसके फेवर में नजर आता है दोस्तों। अब दोस्तों समझते हैं पिछले 5 साल के दौरान फाइनेंशियल्स में ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं कि इसमें रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है वो इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ से बेटर है, और नेट इनकम भी जो ग्रोथ हुई है पिछले 5 सालों में वो भी दोस्तों इंडस्ट्री से बेहतर है। तो दोस्तों मार्केट शेयर में भी अच्छा सब्सटेंशियल ग्रोथ नजर आया है पिछले 5 साल में, जो ग्रो किया है 20.88% से 24.06%। अब दोस्तों चलते हैं और लेटेस्ट न्यूज क्या है एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड उसको समझते हैं।
तो दोस्तों सबसे मेजर इम्पैक्ट इसमें देखिए, एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है उसको बहुत बड़ा एक झटका लगा है बैन होने के कारण, और 3 लाख से बेस उसका इरोड हो गया है लास्ट क्वार्टर में, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला है आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड को, और कोई ज़्यादा सब्सटेंशियल न्यूज़ नहीं है। अब डिविडेंड को देखते हैं दोस्तों, तो लास्ट डिविडेंड इसने पे किया है 5 रुपीज़ पर शेयर अगस्त 2019 में दोस्तों। तो चलिए अब स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और प्राइस एक्शन एनालिसिस से समझने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक शेयर की एनालिसिस की हम शुरुआत करते हैं मंथली चार्ट से, जो आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं दोस्तों। ये मासिव अप ट्रेंडिंग मूव में है और हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन था, और फिर दोस्तों इसने एक हाई बनाया दिसंबर 2019 में दोस्तों, और ये हाई था 1305 का, और उसके बाद 2020 का जब बेयर मार्केट की शुरुआत हुई तो इसमें मासिव गिरावट देखी गई, और फाइनली दोस्तों ये गिरा, बहुत भारी गिरावट दर्ज की गई और ये 738.75 तक गिर गया। आपको याद होगा दोस्तों चैनल में जब इस जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अपियर हुआ था, तो उस समय पे दोस्तों जब ये करीब 1220 रुपए का ब्रेकडाउन हुआ था, तो इसमें से निकल जाने के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, क्योंकि पॉसिबिलिटी लग रही थी कि मच लोअर प्राइस पे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इस करेक्शन की जब शुरुआत हुई तो यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल सपोर्ट था, तो एक 950-52 का लेवल एक ऑब्वियस रेजिस्टेंस था। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो ये क्लियर हो चुका था कि अब ये ट्रेंड का रिजम्पशन करेगा और ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है इस मासिव गिरावट के बाद। मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूँ जिससे आपको बेहतर क्लैरिटी आएगी। अब ये देखिए मल्टीपल सपोर्ट था, तो इस जगह पे आके जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस उस समय 980-1000 के आसपास थी, फिर इसमें एक लॉन्ग टर्म निवेश और लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड के बारे में चैनल पर चर्चा की गई। अब दोस्तों क्या हुआ है, प्राइस ने हायर हाइज बनाया, पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और एक लाइफ टाइम हाई बनाया रीसेंट टाइम में फरवरी 2021 में, और वो था दोस्तों 1641 का, और उसके बाद में ये करेक्शन की शुरुआत हुई। और इस लेवल को ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन जो 1350 पर है, प्राइस कई महीनों से यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। इसके अलावा क्या हम कोई और कन्फ्लुएंस या एविडेंस प्राप्त कर सकते हैं चार्ट पर, तो प्रायर इम्पल्सिव वेव का अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल चेक करते हैं तो प्राइस सपोर्ट ले रही है 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे, और करंट मंथ में हम देख सकते हैं एक बाइंग आती हुई नज़र आ रही है, पॉसिबली बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होने की संभावना है। वैसे दोस्तों करंट मंथ की कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है मई 2021 की, इसीलिए अभी हमें इंतजार करना होगा, तो इसीलिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब हम एचडीएफसी बैंक शेयर के वीकली चार्ट को जब देखते हैं, तो वीकली प्राइस चार्ट में हमें क्या क्या कन्फ्लुएंस मिलते हैं जो इंडिकेट करें कि शायद अभी इस करेक्शन की समाप्ति हो गई है। तो पहला एविडेंस तो ये है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन थी। वंस अगेन जो ये करेक्शन हुआ, प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया और इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया। इसके अलावा हम देख सकते हैं दोस्तों, पहले भी इस लेवल पे मल्टीपल टाइम प्राइस ने सपोर्ट लिया है, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड जो लाइन है दोस्तों, ये अपने आप में एक डिमांड एरिया के रूप में एक्ट कर रही थी। इसके अलावा प्राइस ने कई सप्ताह तक कंसोलिडेट किया एक नैरो रेंज में, यहाँ पर आप देखिए जिसका ये ब्रेकआउट हुआ 17th मई 2021 का जो वीक स्टार्ट हुआ उस वीक में, और यहाँ वॉल्यूम में भी सर्ज देखा गया। तो ये इंडिकेशन दर्शा रहे हैं कि शायद इस ट्रेंड का अब रिजम्पशन होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। अगर हम सपोर्टिंग टूल्स को देखें तो यहाँ RSI
जो मोमेंटम इंडिकेटर है अगर हम देखें यहाँ पर दोस्तों, तो आरएसआई में भी हमें कहीं ना कहीं मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करता है कि डाउनसाइड मोमेंटम का अब दोस्तों डिमिनिशिंग इफेक्ट है और टू मच एक्सटेंडेड नहीं रह सकती है प्राइस डाउनसाइड में। यहाँ पर स्टोकास्टिक देखें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी दर्शा चुकी है वीकली टाइम फ्रेम में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचें तो ये देखिए प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शन दिया था जिसका यहाँ डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ विद सब्सटेंशियल राइज इन दी वॉल्यूम। तो ये सारे डिस्कशन जो अभी हमने की ये इंडिकेट करता है कि शायद अब इस करेक्शन की समाप्ति हो गई है और ये अप ट्रेंड जो इसका ओरिजिनल ट्रेंड है इसको रिज्यूम करने की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। चलिए अब हम डेली चार्ट पर चलते हैं और रिसेंट प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब हम HDFC बैंक शेयर के डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट को देख रहे हैं और दोस्तों ये देखिए मल्टीपल रिजेक्शन, ये ट्रेंड लाइन जिसकी चर्चा अभी वीकली चार्ट में भी की गई, मल्टीपल रिजेक्शन था, यहाँ पर भी रिजेक्शन था और इसके बाद दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो लास्ट वीक कंक्लूड हुआ है 21 मई 2021 की कैंडल को ध्यान से देखें, एक वन वाइट सोल्जर का बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है और सब्सटेंशियल राइज इन दी वॉल्यूम देखा गया दोस्तों। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जब ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा था उस समय वॉल्यूम में कहीं ना कहीं एक गिरावट थी, डिप्लीशन था जो क्लियरली एविडेंट है दोस्तों। प्राइस ने कई दिनों तक इस बैंड में कंसोलिडेट किया और इसके बाद में ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि अब ये करेक्शन की समाप्ति हुई और एक इम्पॉर्टेंट बेस इसने फॉर्म किया है 1350 के लेवल पे। प्राइस का सपोर्ट, इसकी चर्चा ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग सेशन के दौरान वेरी रिसेंटली आपके चैनल पे की गई थी दोस्तों। तो क्या ये अब रेडी है अप ट्रेंड के लिए? लगता तो ऐसा है इतने सारे डिस्कशन के पश्चात। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों? जो करंट कैंडल है इसका हाई है 1501.9, तो 1505 पर हम एक बाय लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं, बाय स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं। वो ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा फॉल्स ब्रेकआउट सिचुएशन को टू लार्ज एक्सटेंट अवॉइड करने में हम सफल हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा? ये जो ट्रेंड लाइन खींची गई है दोस्तों, जिसकी चर्चा वीकली चार्ट में भी की गई, ये ट्रेंड लाइन हमें मदद कर सकती है एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड को इस स्ट्रैटेजी के तहत कि हम ट्रेंड को राइड करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे ताकि रिस्क को भी मैनेज करते जाए और प्रॉफिट को भी प्रिजर्व करने की संभावना को तलाश सकें। तो ये ट्रेंड लाइन हमें मदद कर सकती है ट्रेंड को राइड करने में एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में। हाउएवर जो स्विंग ट्रेडर है वो यहाँ पर बाय स्टॉप ऑर्डर और एंट्री स्ट्रैटेजी तो सिमिलर होगी और प्रायर स्विंग लो जो इसका है दोस्तों वो है 1428, तो 1420 के आसपास एक स्टॉप लॉस डाल सकते हैं जो फेयरली गुड स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि EMA 21 और EMA 55 के वो नीचे भी आएगा और एक बार जगह एंट्री ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा दैट इज बाय स्टॉप ऑर्डर करंट कैंडल के हाई के ऊपर में, तो दोस्तों इसकी संभावना एक अच्छे ट्रेड होने की काफ़ी बढ़ जाएगी दोस्तों। अब टारगेट कहाँ पे आना चाहिए दोस्तों? तो टारगेट तो ऐसा है दोस्तों, यहाँ देखिए ट्रायंगुलर पैटर्न का एक ब्रेकआउट है। अब दोस्तों टारगेट क्या होता है? एक नोशनल चीज़ होती है जो ट्रेंड को राइड करना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। अगर हम पिछली इम्पल्सिव वेव के आधार पर इसके टारगेट को निकालने की कोशिश करें तो देखिए दोस्तों फिबोनाची एक्सपांशन से इसका पहला टारगेट जो है फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है 1497 पे, तो पहला टारगेट 1630 आता है, देन 1694 टारगेट आता है। बट अगर इस इम्पल्सिव वेव को आधार हम बनाते हैं और आगे की सोचते हैं तो दोस्तों 161.8% एक्सपांशन तक जाने की संभावना काफ़ी प्रबल है और वो आता है दोस्तों टारगेट 1770 के आसपास।
तो सबसे बेस्ट है ट्रेंड को राइड करना एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।